दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट, जिनसे खौफ खाते हैं दुश्मन, जिसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के पसीने छूट जाना है। चलिए जानते हैं इनमें से भारत के पास कौन सा फाइटर जेट है। अगर आप भी भारतीय हैं तो इस वीडियो पर अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो के अंत में आपके लिए एक अच्छी खबर है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, साब JS-39C ग्रिपेन। स्वीडन में बने इस फाइटर जेट को बजट फाइटर जेट कहा जाता है। इसका ये वर्जन अत्याधुनिक और लेटेस्ट है। यह 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे एक पायलट उड़ाता है। लंबाई 49.10 फीट होती है। विंग स्पैन 28.3 फीट और ऊंचाई 14.9 फीट है। यह एक बार में 7,200 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकता है। अधिकतम 2,460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। कॉम्बैट रेंज 1,500 किलोमीटर है। अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह आधा किलोमीटर के रनवे से टेक ऑफ कर लेता है। इसमें कुल 10 हार्ड अपॉइंट्स हैं, जिसमें मिसाइल और बमों का मिश्रण लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 27 मिमी का माउजर रिवॉल्वर कैनन लगा है, जो प्रति मिनट 120 राउंड फायर करता है। नंबर 9, सुखोई Su-35S। रूस में बनी सुखोई Su-30, Su-35, Su-37 और चीनी शिनयांग J-16, ये सभी Su-27 के प्लेटफॉर्म पर बने हैं। ये 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। लंबाई 71.10 फीट, विंग स्पैन 50.2 फीट और ऊंचाई 19.4 फीट है। इसकी गति 2,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 3,600 किलोमीटर है, जबकि कॉम्बैट रेंज 1,600 किलोमीटर है। यह अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिमी की ऑटो कैनन लगी है, जो 150 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इसमें 12 हार्ड अपॉइंट्स होते हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरीके के गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं, यानी दुश्मन की मौत पक्की। नंबर 8, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोप का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान। इसके दो वेरियंट्स आते हैं, 1 और 2 सीटर। लंबाई 52.4, विंग स्पैन 35.4 फीट और ऊंचाई 17.4 फीट है। यह अधिकतम 2,125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। कॉम्बैट रेंज 1,389 किलोमीटर है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 2,900 किलोमीटर है। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसमें 27 मिमी की माउजर रिवॉल्वर कैनन लगी है, जो 150 राउंड प्रति मिनट से फायर करती है। इसमें कुल मिलाकर 13 हार्ड अपॉइंट्स हैं, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 7, Dassault राफेल। राफेल और यूरोफाइटर का विकास एक फाइटर जेट की तरह ही हुआ था, लेकिन बाद में फ्रांस ने राफेल को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया था। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसे एक या दो पायलट उड़ाते हैं। यह 50.1 फीट लंबी, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 1,850 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज 3,700 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह एक सेकेंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 मिमी की ऑटो कैनन लगी है, जो 125 राउंड प्रति मिनट दागती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड अपॉइंट्स हैं। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, न्यूक्लियर डेट्रेंस मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के बमों को भी तैनात किया जा सकता है। नंबर 6, बोइंग F-15EX Eagle 2। अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान है ये लड़ाकू विमान। आम भाषा में इसे F-15 बुलाते हैं। इसे दो पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 और ऊंचाई 18.6 फीट है। यह अधिकतम 2,656 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। कॉम्बैट रेंज 1,272 किलोमीटर और फेरी रेंज 3,900 किलोमीटर है। यह अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 250 मीटर प्रति सेकेंड की गति से सीधी उड़ान भरता है। इसमें 20 मिमी की गैटलिंग कैनन लगी है। इसमें 4 विंग्स पाइलॉन्स, फ्यूसलेज पाइलॉन्स, बॉम्ब रैक्स लगे हैं। इसमें हवा से हवा, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलें लग सकती हैं। उसके अलावा 17 तरीके के बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 5, शिनयांग FC-31, चीन का 5वीं पीढ़ी का हल्का कैरियर बॉर्न फाइटर जेट। इसे चीन का सबसे घातक फाइटर जेट कहा जाता है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 56.9 फीट, विंग स्पैन 37.9 फीट और ऊंचाई 15.9 फीट है। अधिकतम गति 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1,200 किलोमीटर है।
अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें और बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 4, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। दुनिया का पहला और असली 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी फाइटर जेट, क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग और बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसकी लंबाई 62.1 फीट, विंगस्पैन 44.6 फीट और ऊंचाई 16.8 फीट है। अधिकतम गति 2,414 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 850 किलोमीटर है। फेरी रेंज 3,200 किलोमीटर है। यह अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 मिमी का वल्कन रोटरी कैनन लगा है। इसमें 4 अंडर विंग हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली 8 से 8 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। नंबर 3, चेंगडू J-20, चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। इसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते हैं। यह बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। लंबाई 69.7 फीट, विंगस्पैन 42.8 फीट और ऊंचाई 15.5 फीट है। बिना हथियार और ईंधन के इसका वजन 17,000 किलोग्राम है। अधिकतम गति 2,450 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज 5,500 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें अंदर की तरफ लगाई जा सकती हैं। 4 हार्ड पॉइंट्स विंग्स पाइलॉन्स में हैं। नंबर 2, सुखोई Su-57। सुखोई Su-57 फेलन रूस का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। लंबाई 65.11 इंच, विंगस्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। मैक्सिमम स्पीड 2,135 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुपरसोनिक रेंज 1,500 किलोमीटर है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 30 मिमी की ऑटो कैनन लगी है। 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। इसमें हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं। नंबर 1, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2। नंबर 1 पर होने के बावजूद इस अमेरिकी फाइटर जेट की गति और नियंत्रण को लेकर विवाद है। इसके बावजूद इसके 750 प्लेन्स बन चुके हैं। इनका उपयोग 11 देश कर रहे हैं। कई देश और उत्पादन की मांग कर रहे हैं। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। लंबाई 51.4 फीट, विंगस्पैन 35 फीट और ऊंचाई 14.4 फीट है। अधिकतम गति 1,975 किलोमीटर प्रति घंटा है। कॉम्बैट रेंज 1,239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 4 बैरल वाली 25 मिमी की रोटरी कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 180 गोलियां दागती है। इसमें 4 अंदरूनी और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स हैं। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसके अलावा 4 तरीके के बम लगाए जा सकते हैं। यह है दुनिया के 10 खतरनाक फाइटर जेट प्लेन जिसे खौफ खाती है सारा दुनिया। फिलहाल आपको इनमें से कौन सा फाइटर जेट अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।